Hi viewers, this is Meera Baha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा. आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है रोहित शर्मा जी ने, अभिषेक मिश्रा जी ने और हरी मोहन जी ने. तीनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और इतनी रात को नहीं, आज करवाइए हमारी तारुफ करवाइए आप. नहीं नहीं सर, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप बहुत बड़े बंदे हैं और बड़ा कुछ सीखने का मौका मिलता है. तो तारुफ तो रोज ही चैनल पे होता है आपका और आज खबर ही ऐसी है जिस पर जो है फॉरेन लाइफ करने का दिल किया. और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आपको मतलब सीखने का मौका मिलता है तो आपको जो है आप तीनों को फोन कर लिया जाता है. तो आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया. और आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आदित्य L1. इंडिया सोलर मिशन रीच सन ऑर्बिट. सबसे पहले आगाज करेंगे हरिमोहन जी से. और सर क्या कहेंगे आप और क्या क्या कैसी थॉट्स हैं? ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इंडिया की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, एक्चुअली दो टॉपिक्स हैं इसमें. पहला, इंडिया की कितनी अचीवमेंट है और दूसरा, एज अ पाकिस्तानी आप क्या सुनना चाहते हैं या आपके पाकिस्तानी व्यूअर्स क्या सुनना चाहते हैं. दोनों मेरे हिसाब से हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. वो उसके पीछे का रीजन, क्योंकि देखिए L1 एक ऐसा पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट है जहां पर आज तक कोई, मतलब सन के सबसे पास का एक लास्ट पॉइंट जहां पर जाकर कोई बॉडी या कुछ भी काम कर पाता है. उसके आगे जैसे जैसे जाएंगे वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद चीजें जो हैं वो बिल्कुल गायब हो जाएंगी. मतलब ये दो ऐसे पॉइंट्स जहां से हम सन को स्टडी कर सकते हैं. अब सन को स्टडी करने का फायदा क्या? देखिए सीधी सी बात है, ये एक बहुत ही जबरदस्त लेवल पर साइंटिफिक या एक डीप लेवल साइंटिफिक एनालिसिस होगा जिसके अंदर मैं तो खैर देखिए इतना बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना पक्का है कि चाहे वो सोलर रेडिएशंस हुई, चाहे सन के अंदर का जो मटेरियल है या किसी भी तरीके का, देखिए क्या होता है ना, हम जो फ्यूजन और फिजन रिएक्शंस किसी टाइम पर पढ़ते थे जो न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर यूज होती है, न्यूक्लियर बॉम्ब और एटम बॉम्ब. न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर फिजन रिएक्शन होगा जिसमें यूरेनियम वगैरह टूटता है, लेकिन एक फ्यूजन रिएक्शन होगा जो कि नॉर्मली हम हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एटम्स को मिला के हीलियम बनाते हैं. इसको अगर आप देखेंगे तो असलियत में इसका जो लेसन लिया गया, या यूं कहें कि इससे इसके बारे में जो भी हम आइडिया जनरेट हुआ वो हम लोगों को सन से हुआ, या यूं कहें साइंटिस्ट को ये सन से निकलकर आता हुआ दिखाई देता है. ओके, अब इसको स्टडी करके फायदा क्या? अब यहां दो पार्ट्स हैं. एक हमारा इसरो जो ये कह रहा है अगर हम सन को स्टडी कर पाए तो हो सकता है वैसा कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी हम यहां पर जनरेट कर पाए या वैसा कुछ डेवलप कर पाए जिससे अर्थ की एनर्जी नेसेसिटीज को बहुत एक लंबे टाइम तक मेंटेन किया जा सके, या फिर बहुत सारे उसके दूसरे रीजंस हो सकते हैं, मैं उस चीज पर नहीं जा रहा. लेकिन एज अ पाकिस्तानी जो आप सुनना चाह रहे हैं, सोचने की कोशिश करेंगे, उसमें दो पार्ट्स हैं. पहला, आपका मिनिस्टर क्या कहता है. मुझे नहीं लगता कि आपकी किसी गवर्नमेंट के किसी भी मिनिस्टर की तरफ से अभी तक कोई बयान इस चीज का आया है कि भाई हम कहां खड़े हैं जो आदित्य मिशन जिस तरीके से इंडिया ने लॉन्च किया वैसा. तो ऑब्वियसली बात है वो कोई बयान नहीं आया, क्योंकि पिछले वाले बयान में एक बहुत ही आपके मिनिस्टर जो बहुत इंटेलिजेंट और एजुकेटेड थे, वेल लर्नेड पर्सनैलिटी थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, वो गजब था, वो बिल्कुल जेन्युइन स्टेटमेंट था कि चांद पे जाके करना क्या ही है, दूरबीन लेके और देख लो. दैट वॉज द परफेक्ट स्टेटमेंट. तो उस लेवल पर आप जो सुनना चाहते हैं आपके गवर्नमेंट से, सुपारकों से, वो तो कुछ दिखाई नहीं देगा. लेकिन हाँ, एज एन आम आदमी उसमें भी दो पार्ट्स हैं. एक वो जो हूरों को याद कर रहा है, और दूसरा वो जो ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि हम कहां पीछे रह गए. तो सबसे इंपॉर्टेंट वही आदमी मेरे लिए है जो ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि कहां पीछे रह गए. उसके ऊपर हम इसके अगले वाले फेज में चर्चा करेंगे. लेकिन जो यही सोच रहा है कि यार पड़ा रहने दो, और ये लोग जो सोच रहे हैं कि भाई हम कहां रह गए, वो मेरे हिसाब से आपके वहां पर इररिलेवेंट है, और वो बड़ा एक माइक्रोस्कोपिक पोर्शन है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन हाँ, ये है कि इंडिया की ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. हर इंडियन को इसमें प्राउड फील हो रहा है कि हाँ भाई, हम चांद पे तो थे ही थे, सूरज पे भी पहुंचे, मंगल पर भी पहुंचे, और हो सकता है अगला कोई वॉयेजर टाइप का मिशन हमारा हो जो जुपिटर सैटर्न से लेकर और यूरेनस तक पहुंचता हुआ नजर आए. अब ऐसा प्लूटो तक पहुंचता हुआ नजर आए, उसको हम उसी हिसाब से डिस्कस करेंगे. यस मैम.
सही हो गया सर। अभिषेक सर आपकी जानिब बढ़ते हैं, आप बताइएगा क्या कहेंगे इंडिया की इस डेवलपमेंट के हवाले से। 4 महीने जो हैं इसको इसकी जर्नी रही आदित्यल वन की, इस पर आपकी क्या राय है? और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इस पर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अभिषेक सर आपसे आपका आवाज आ रही है। मुझे लगा आप रोहित दादा से पूछ रही हैं। देखिए ये इट्स अ टेक्नोलॉजिकल फीट, और मैंने बार बार कहा कि साइंस ऑफ लूनर सिस्टम या सोलर सिस्टम इंडिया को पहले से पता था, या सीखने का प्रयास तो हजारों साल से चल रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट बाकी थी, साइंस को प्रूव करने के लिए दैट आल्सो वी हैव अचीव्ड। सबसे बड़ी बात है कि जो सोमनाथ जी हैं, भारत का सौभाग्य है कि सही समय पे सारे के सारे सही लोग भारत में सही जगह बैठे हुए हैं। ये भारत का बड़ा सौभाग्य है। मोदी जी बैठे हैं सेंटर में, इसरो में सोमनाथ जी बैठ गए हैं, और उसके बाद हर जगह पे अलग होम मिनिस्टर अमित शाह जी बैठ गए हैं, और फिर हम सब लोग मिलकर यूट्यूब पे बैठ गए हैं। आप समझ रही हैं? तो ये पूरा ये है कि ये सारा का सारा चीज एकदम सही समय पे बैठा है। तो ये जो हेलो पॉइंट है लारैंक, जिसमें इस ऑर्बिट में प्लेस किया है, इसकी मैनेवरेंस इतनी मोर देन दिस सैटेलाइट बीइंग सेंट, इसका मैनेवर जो था वो बहुत डिफिकल्ट था। मैं सुन रहा था सोमनाथ जी को, वो बता रहे थे कि अगर जरा सा भी कैलकुलेशन में गलत होता है, कैलकुलेशन इतनी प्रिसाइस है कि यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर 6 लाख किलोमीटर की ऑर्बिट का कोई एक हेलो ऑर्बिट है, उसमें एग्जैक्ट जाके इंजेक्ट कर देना, और वो जो आपका सेटेलाइट है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो करके सन के उसमें ना चला जाना, दिस इज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्स्ट्रॉर्डनरी। इसको हम आप समझ नहीं सकते हैं कि इस फीट की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ये वो साइंटिस्ट है जो बेचारे चुनिंदा पैसे पाते हैं, लेकिन देश से ही अपना प्यार इतना करते हैं कि ये इस तरीके के काम करने को तैयार हो जाते हैं हैंडफुल मनी पे। कुछ बहुत ज्यादा पैसा सुविधा इनको गवर्नमेंट नहीं दे पाती है। तो बहुत बहुत बधाई हो, दुनिया को बधाई हो, क्योंकि भारत की बात मैं बार बार कहता हूं और जब तक जीवित तो कहता रहूंगा, भारत की बात मानवता की बात, वेद की बात मानवता की बात। जैसे मुझसे आज कोई पूछा था सर हिंदू जो कन्वर्ट नहीं करते, भाई मैंने कहा हिंदू कैसे कन्वर्ट कर देगा, हिंदू ने तो मानवता को डिफाइन किया है कि मानव, जैसे योग कोई भी कर ले तो वो सभी वैदिक फिलॉसफी के अंदर में आते हैं उसी तरीके से। इसलिए भारत की बात मानवता की बात, भारत जो भी करेगा मानवों के लिए करेगा, आपके लिए करेगा, हमारे लिए करेगा, अफ्रीका के गरीब उन मानवों के लिए जिनको जिनके ऊपर नेचर इतनी मेहरबान नहीं है और लाइफ ने उनको बहुत सख्त लाइफ दिया है, या रशिया के टुंड्रा इलाके के, सर्बिया के टुंड्रा इलाके के बहुत ठंडी इलाकों में रहने वाले वो लोग जिनके लिए जीवन यापन ही अपने आप में एक टफ थिंग चीज है, आज जिंदा रहना उनके लिए एक चैलेंज है, ये उनके लिए है, भारत सबके लिए है। समझ रही हैं आप? सो कंग्रेचुलेशंस टू टीम इसरो, कंग्रेचुलेशंस टू टीम रिबाहा, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू। रोहित सर आपकी क्या राय है? जी, हरिमोहन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रिवाहा जी, मैं इसमें ये जोड़ना चाहूंगा अभिषेक जी की बात में कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं, ऐसा नहीं है कि इनको बाहर से ऑफर नहीं है लाखों डॉलर्स के, बाहर से भी इनको बहुत जबरदस्त ऑफर है, लेकिन उसे ठुकरा कर ये लोग इसरो में बैठे हुए हैं उनसे कहीं गुना कम सैलरी में, सिर्फ जस्ट फॉर अ कंट्री। ये चीज मैं जोड़ना चाहूंगा जो अभिषेक जी की बात को और 4 चांद लगाएगा। यस सर, सॉरी। नहीं, बिल्कुल सही कहा। ये रोहित मिट्टी का प्यार है हरिमोहन जी, जो बेचारे लोग इतनी कम पे, चाहे वो हमारा सेल सोल्जर हो या कुछ, क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता, और एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीस। अब इसमें वो एक मूवी आई है उसके अंदर दिखाया तो है जो रियलिस्टिक बेस्ड है, कि इस वो जो क्या नाम है कोविड-19 का वैक्सीन वॉर, उसमें एक बड़ा अच्छा सा सीन है, सच में बैठे बैठे रो पड़े कि हमारे साइंटिस्टों को ईरान जाना था, जो ईरान जाना था तो उसमें आप ये देखिए उनके पास 1 लाख रुपए टोटल 6 साइंटिस्टों के पास मिलाकर नहीं थे। तो जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने पूछा कि यार, और वो उनकी फ्लाइट मिस हो गई क्योंकि सामान ज्यादा था और पैसे नहीं थे, तो उनसे वो डायरेक्टर साहब ने पूछा कि यार इनके पास 1 लाख, हमारे साइंटिस्टों के पास 1 लाख रुपए नहीं थे, तो
तो जो सामने से जवाब आया वो ये था कि भारत के साइंटिस्ट के पास 1,00,000 रुपए नहीं थे, और सच बता रहा हूं वहां से छूट गए थे, और उन्होंने तब भी एक्सट्रीम सिचुएशंस में काम किया, वो अप्रिशिएबल है। 1,00,000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनको दिखा वो कर रहे हैं, जो एक्सट्रीम, मतलब ऐसा नहीं है बुरी सिचुएशंस है, लेकिन फिर भी आप खुद सोच कर देखिए। यस रोहित सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इंडिया की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो इंडिया को, तो मैं खुद अपने तौर पे पाकिस्तानी, बीइंग अ पाकिस्तानी जो है, इंडिया को मैं कंग्रेचुलेट कहूँगी, और रोहित सर क्या कहेंगे, और पाकिस्तान की जो स्पार्को है वो कहाँ पर स्टैंड कर रही है, क्या इससे पाकिस्तान आने वाले टाइम में कोई सबक लर्न कर सकेगा? तो इंडिया की इसरो ने बहुत बहुत ज़्यादा सुपारको की कहानी अलग है। सुपारको इसरो से पहले बनी थी, और इसरो से पहले उसने अटेम्प्ट मारा था स्पेस में जाने का, शायद चला भी गया था। उसके बाद से सुपारको को के अंदर बैठ गए कुछ लोग, एक पर्टिकुलर महकमे के लोग, और उसके बाद से वो ओवर। अच्छा, सुपारको में एक चीज और है, सुपारको में बैठ के चाय अच्छी मिलती है, बिस्किट अच्छे मिलते हैं, कभी कभी चाट भी खा लेते हैं, वो टिक्के भी खा लेते हैं, वो और बढ़िया है। वहां पर टिक्के का जो स्टॉल है ना, मैंने सुना बड़ा अच्छा, वो लोग बड़ा पसंद करते हैं। अब वो स्पेस में सैटेलाइट भी भेजेगी सुपारको, तो फिर कैसे चलेगा काम यार? एंजॉय जब जो वहां से सुपारको को जो लोग हैं वो भी 72 करोड़ ढूंढते हैं, उनको मिल जाती है, बढ़िया है, दे जस्ट एंजॉय लाइफ। देखो, इंडिया की अचीवमेंट इसी साल की L1 और हम लोग चंद्रयान दोनों देख रहे हैं। चंद्रयान ने जो काम किया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी का खुद का मिशन था, और हमारा चंद्रयान 2 जो कि क्रैश कर गया था, सॉफ्ट लैंडिंग की जगह हार्ड लैंडिंग मार गया था, तो उसके बाद हम लोगों ने ये सोच के रखा था कि इस बार तो जरूर लैंड करना चाहिए, और हम लोगों को बहुत कुछ दिखा। अच्छा, ये अभी की अचीवमेंट नहीं है, इससे पहले भी इंडिया ने जो चंद्रयान 2 भेजा या चंद्रयान 1 भेजा, उसने इतने सारे मिशंस हुए थे चांद पे, ये पहला मिशन नहीं था, चंद्रयान 1 वाज व्हाट द फर्स्ट मिशन, लेकिन इंडिया ने ही बताया था कि चांद पर पानी है और बहुत पानी है, इट वाज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये भी इंडिया ही बहुत सारी चीजों को करके दे रहा है, ये L1, L2, L3, L4, L5, इंडिया इन सब पे काम कर रहा है। L2 पे वो बैठी है जेम्स वेब टेलीस्कोप, L1 पे हम पहुंच गए, L1 पे इससे पहले भी पहुंचे सैटेलाइट, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार पहुंचे। हम काम कर रहे हैं मिशंस पे, और इसरो जो है, इसरो ने अब जो एक चीज खोली है कि प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च करने वाली कंपनीज, स्पेशली अग्निकुल है एक और है जिसने भी सैटेलाइट भेजा था, ये सारी की सारी कंपनीज को काम दे दिया गया कि आप सैटेलाइट भेजते रहो। इसरो अब बड़े काम करेगी, इसरो अब चंद्रयान पहला उसका मिशन था, एक चंद्रयान 4 कहीं है, निगाहों में है, अभी तक उसका खाका हमें पता नहीं है क्या होने वाला है। वी आर ऑक्यूपाइड विद गगनयान, दैट्स मैन मिशन टू स्पेस चाइना कर चुका है, हम भी उस काम में लगे हैं, हम लोग उसमें पूरी ये गगनयान चला जाना चाहिए था 2025 तक, लेकिन थोड़ा डिले हो गया, डिलेज होते हैं हर प्रोजेक्ट में होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हमारा एक स्पेस स्टेशन, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पुराना हो चुका है, वी आर वर्किंग ऑन इंटरनेशनल इंडियन स्पेस स्टेशन, हो सकता है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बन जाए, मतलब दूसरे कंट्रीज उसमें कूद करके दूसरे कंट्रीज भी उसके कुछ मॉड्यूल्स बना दें, फाइन, बन सकता है, क्योंकि ऊपर जो इस समय स्पेस स्टेशन बैठा है वो बहुत पुराना हो गया है, और उसके कुछ मॉड्यूल्स तो उतने 28 साल पुराने हैं, फर्स्टली। सेकेंडली, उसको बनाने में $13 बिलियन का खर्चा था, तो इंडिया इतना खर्चा हो सकता है कि ना लगा पाए, तो दूसरे कंट्रीज पोर इन करें। तीसरी चीज, उन कंट्रीज के पास एक्सपीरियंस है स्पेस स्टेशन में, दे नो हाउ टू मेक अ स्पेस स्टेशन, दे नो हाउ टू ऑपरेट अ स्पेस स्टेशन, हम लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हो सकता है हम उनके साथ बैठ करके उनके टेक्नोलॉजी उनके साथ काम करें, यह भी हो सकता है। तो इसरो को हमने बड़े मिशन दे रखे हैं,
इसरो अभी मिशन ऑर्बिटर मार्स पे गया था और हम लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन पे दूसरे काम भी कर रहे हैं, साथ में इसरो और काम भी कर रहा है। एक एक ही लॉन्चर से अगर आप 13 सैटेलाइट छोड़ रहे हैं तो 13 सैटेलाइट, 20 सैटेलाइट, 25 सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, उसके बहुत ऊंचे इंप्लीकेशंस होते हैं, मैं किसी और दिन बताऊंगा। लेकिन हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को, एक लॉन्चर से अगर हम 20 सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग द टेक्नोलॉजी कि हम लोग एक एक अग्नि से या एक मिसाइल से, बैलिस्टिक मिसाइल से 13 वॉरेट्स छोड़ सकते हैं, 20 वॉरेट्स छोड़ सकते हैं और सब अपनी अपनी जगह पर गिरेंगे। तो दिस इज आवर टेक्नोलॉजी, वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड इट अगेन एंड अगेन, एंड इसरो जो काम कर रहा है उसमें मुझे कोई शक नहीं कि हम वर्ल्ड की बेस्ट एजेंसीज में आ चुके हैं। जबरदस्त। हरिमोहन जी, मेरा आपसे सवाल है, हमारे मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने तो कह दिया कि हमें तो जो है जब जमीन से ही सब कुछ नजर आ जाता है तो हमें तो कहीं रिसर्च वगैरह ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों इतनी मेहनत करनी है? तो क्या कहेंगे इन स्टेटमेंट्स को देखते हुए, और क्या लगता है कि जिस तरह के इसरो मिशंस लॉन्च कर रहा है, आए दिन कोई ना कोई अचीवमेंट कर रहा है, इससे पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की स्पार को आने वाले टाइम में कोई लेसन लर्न कर सकती है? आपसे नहीं, हम आगे अपने मुख्तलिफ कंट्रीज से, इर्द गिर्द के कंट्रीज से भी देख सकते हैं, उनसे नहीं करना, क्योंकि हम हमेशा यहाँ पर ये बात करते हैं ना कि हम इंडिया से ही क्यों सीखें, हम और भी लोगों से सीख सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे इसको देखते हुए? मैडम, पहली बात, सीखने के लिए नीयत और ताकत दोनों चाहिए होती है। अब नीयत तो भूल जाइए, क्योंकि इंडिया से तो क्यों सीखें, क्या दुनिया में किसी से क्या सीखें ये बता दीजिए। दुनिया में अमेरिका से आपने क्या सीखा? हथियार लिए, सीखा कुछ नहीं है। आपने सऊदी अरेबिया से क्या सीखा? मेरे हिसाब से आज के दिन सऊदी अरेबिया और यूएई जिस तरीके से चेंज कर रहे हैं अपने आप को, जिस तरीके से एक तरीके से डेमोक्रेटिक तो नहीं कहेंगे लेकिन एक लिबरल सिस्टम में ट्रांसफर कर रहे हैं, और एक जहां पर जिसे कहते हैं ना रिफॉर्मेटरी रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या वहां से कुछ सीख पा रहे हैं? अच्छा, क्या मतलब किससे सीखना चाहेंगे, पहली बात ये। कल परसों हमारी अभिषेक जी के साथ एक बहुत बढ़िया डिस्कशन हो रही थी, उसमें शायद उसमें आप भी तो थे, उसमें एक बॉटम लाइन निकल कर आई कि जब तक आपकी पूरी सोसाइटी का एक बेसिक पार्ट नफरत नहीं छोड़ेंगे तब तक आप सीखने की उम्मीद ना करें। सीखने के लिए पहले सामने वाले को अपना मानना तो पड़ेगा। आप मानिए तो सही कि सामने वाले को अपना, या अपना ना माने तो कम से कम सही तो मानिए। आप ना तो सही मान रहे हैं, अपना तो भूलने की बात है। तो ऐसे में सोसाइटी में जिस सोसाइटी में जिस पर्सन के अंदर नफरत भरी हुई होती है, उससे हम बहुत ज्यादा सी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बहुत ज्यादा कुछ सीख पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ इन दूसरे इंसान को जजमेंटल होकर नफरत भरी एक आइडिया के अकॉर्डिंग जज करेगा कि भाई ये वाला मेरा क्राइटेरिया है और इसी क्राइटेरिया के अंदर मैं सही और गलत हर किसी को बताऊंगा कि ये मेरे अकॉर्डिंग ठीक है और मेरे अकॉर्डिंग गलत है। अगर वो गलत है तो पूरे तरीके से गलत है, और अगर सही है तो उसमें भी बहुत सारी बात यहां पर आपको दिखाई देगी। अब एक चीज और रही बात आपके मिनिस्टर की, मैडम एक्चुअली क्या होता है ना, जैसा राजा, हमारे यहां बेसिक सी बात है, जैसा राजा वैसी प्रजा, लेकिन लेकिन लोकतंत्र में उल्टा होता है, जैसी प्रजा वैसा राजा। प्रजा जो चाहती है राजा लगभग वैसा होगा, जो जनता चाहती है वैसा ही नेता होगा। आपकी पॉपुलेशन जो चाहती है, और या यूं कहें आपके जो डीप स्टेट फॉर्म में जो इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस या पर्संस बैठे हैं, वो जैसा चाहते हैं राजा या आपके मंत्री वैसे ही होंगे। अगर आपकी जनता चाहती है कि हमारे को 72 हूरे दिखाई दें, तो उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका कोई लैंड रोवर वगैरह कुछ भी चांद पे गया है, इससे कोई मतलब नहीं है उन्हें। और इसीलिए उनको उनके एपेटाइट को शांत करने के लिए बड़े तरीके से कह दिया जाता है, यार यहीं बैठ के देख लो ना, वो चांद जाके गंदा करोगे। अब उनसे कोई पूछ ले कि भाई वहां शिव शक्ति पॉइंट नाम रख दिया तो चांद पे शिव शक्ति पॉइंट है, तो अब चांद देख के काम चलाओगे या नहीं चलाओगे, तो ये क्वेश्चन तो कोई करेगा ही नहीं ना, लॉजिक ही नहीं बैठता। अब उसमें एक लॉजिक मैंने देखा कि वो एक लाल टोपी आपके यहां जायद समथिंग कुछ नाम है उसका, वो लाल टोपी कह रहा होता है कि इंडिया वालों ने है ना वो कार्टून सा बना के दिखा रखा है, और इसके रियलिटी के अंदर वो लैंड किया ही नहीं है।
ये और जिसे कहते हैं डिनायल हो गया कि जी हमने डिनाई कर दिया कि इंडिया वहां पहुंचा ही नहीं। अब ऐसी सोसाइटी को जहां टीवी पर बैठ के आपके सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया पहुंचा ही नहीं, तो चाइना भी नहीं पहुंचा होगा, चलो चाइना से सीख लो। नहीं, चाइना से भी नहीं सीख सकते। क्यों? क्योंकि वो तो इस्लाम को मानता ही नहीं। चाइना के अंदर कम्युनिस्ट जो हैं वो जिस तरीके से क्या नाम है उइगुर्स के साथ कर रहे हैं, उत्सुल मुस्लिम्स के साथ जो कर रहे हैं, वो अगर आप देख लेंगे तो पता लग जाएगा। लेकिन चाइना के नाम पे एक डबल स्टैंडर्ड है, उसे छोड़िए। अमेरिका से भी नहीं सीखना, इसराइल को तो भूल ही जाए। तो सीखने की रीजन ये है कि भाई नफरत, और उसके बाद मोटिवेट ना होने के पीछे का रीजन है डिनायल, और उसके बाद एक अजीब सा पार्ट कि जी हम ना भी जाएं तो चल जाएगा, और वो है एक तरीके जस्टिफिकेशन, नहीं जाने का फायदा क्या, हम नहीं जाएंगे तो भी चल जाएगा। तो ये जस्टिफिकेशन, मेरी जो सिंपल थ्योरी है नफरत से शुरू होके डिनायल और जस्टिफिकेशन वाली, और उसके बाद डबल स्टैंडर्ड्स कि कोई क्रॉस क्वेश्चन कर ले तो या तो उसको गायब करवा दो या कुछ भी करवा दो। तो ऐसे में आपकी जनता एक ऐसी क्रिएट हो चुकी है जिसका आउटकम मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा सा आ पाएगा। वो जनता जैसा चाहती है वैसा वो दे रहे हैं, वो जनता वो पॉलिथिन के अंदर वो आपकी कौन सी वो गैस भर के ले जाती है और उसमें जाके रोटी बना लेती है, अगर वो उसमें खुश है उसका। मैंने एक वो वीडियो देखी, आई वाज शॉक्ड कि वो एलपीजी गैस जो है वो पॉलिथिन में भर के ले जा रहे हैं। मैंने कहा यार गलती से कोई माचिस की तिल्ली जला दे तो होगा क्या, लेकिन उन्हें उससे कोई शिकायत नहीं है। पेट्रोल का टैंकर गिर जाता है, पलट जाता है, उसको बाल्टियों में भर भर के पेट्रोल वो कर रहे हैं, और किसी ने बीड़ी या माचिस पता नहीं क्या जला ली और सब कोई 40-50-100 बंदे मर जाते हैं। प्रॉब्लम इज यहां गायब है लॉजिक और रीजन गायब है, पर जिस सोसाइटी में लॉजिक और रीजन गायब हो तो उसके नेता भी ऐसे ही मिलेंगे फवाद चौधरी जैसे, पाओ पाओ किलो के बम और वो क्या नाम है जाके फायदा क्या, और उनके इंटेलेक्ट्स भी वैसे ही दिखाई दे रहे होंगे, और जो थोड़ी सी समझदारी की बात करेगा वो सारे मिलके उसे मार डालेंगे, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से तो कुछ मतलब ऐसी ही सोसाइटी जैसी है, वैसे आपके नेता हैं, और नेताओं ने अपनी जैसा सोसाइटी को बना लेना है। दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, कुछ नया नहीं है। और उम्मीद इंडिया से क्या सीखे तो भूल जाइए, जब तक नफरत होगी आप दुनिया में किसी से नहीं सीख पाएंगे, इवन अपने आप की अपनी जो किताबें हैं उनको देख के नहीं सीख पाएंगे। यस अभिषेक सर, मेरा आपसे सवाल है, मालदीव्स और इंडिया के रिलेशन क्यों आखिर खराब होते जा रहे हैं? एक न्यूज हमारे सामने आती है कि मालदीव्स प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट पास की है, स्ट्रॉन्ग वर्ड टू इंडिया, रिमूव ट्रॉप्स फ्रॉम मालदीव। क्या कहेंगे इस न्यूज को देखते हुए? ऐसा है कि मालदीव में ये जो हमारे ट्रूप्स हैं ये कोई आज के दिन के नहीं है, ये बहुत पुराना न्यूज़ है, ठीक है ना, 35 साल पहले की कहानी है। आपको 35 साल पहले जाना पड़ेगा, वो 3 नवंबर 1988 को उस समय के जो मालदीवियन प्रेसिडेंट थे उन्होंने कई देशों को, उनका नाम मेरे ख्याल से अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा, ममून अब्दुल गयूम था, उन्होंने कई देशों को SOS भेजे कि उनके देश में कू हो रहा है जिसमें आपका देश भी शामिल था। अमेरिका को भी भेजा, यूनाइटेड स्टेट्स जिसको आप कहती हैं, ब्रिटेन को भेजा, सबको भेजा, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि कोई कंट्री ने रिस्पांस नहीं किया, मगर 1988 में इंडिया ने अपने ट्रूप्स भेजे और उनको उनकी गवर्नमेंट को टॉपल होने से बचाया 1988 में। इस पूरे प्रोसीजर को ऑपरेशन कैक्टस के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च किया गया था जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। अब पार्ट ये हुआ कि उसके ठीक 35 साल बाद मुइजू जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं इंडियन ट्रूप्स को बाहर निकालिए। आज की डेट में इंडियन ट्रूप्स वहां पे मिलिट्री एक्शंस कम करती है, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के काम ज्यादा करती है। क्लाइमेट चेंज के ड्यूरेशन में कब मालदीव का जो चूंकि एक आर्कियोपेलॉग है, ये मतलब इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, वो कब डूब जाए या उसका कब वहां पे नुकसान हो जाए ये आपको पता नहीं होगा। ऐसे में इंडियन ट्रूप्स का प्रेजेंस रहना वहां पे ह्यूमैनिटेरियन रीजन से भी जरूरी हो जाता है। और कोई ऐसा हमने आर्म्स नहीं वहां पे मेंटेन किए हुए हैं, 2 ड्रोनियर के हेलीकॉप्टर हैं और 2 इस तरीके के छोटे मोटे कुछ बेसेस है, कोई मिलिट्री बेस नहीं है हमारा वहां पे।
तो ये एक हवा बनाया जा रहा है कि मालदीव्स की तरफ से कि ये है जो इंडिया का ट्रूप से वो निकाले, चूंकि जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है मौजूद वो उसी इलेक्टोरल कैंपेन पे चढ़ के आए हुए हैं, ठीक है ना। मालदीव का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ लीजिए तो वो आपको ये बताता है कि मालदीव जो है वो इंडिया के काफी करीब रहा है, ठीक है ना। एनीवेज, अब इसका ये है कि भाई मोदी ने जो ये मोदी साहब ने जो ये स्नॉर्कलिंग करी है मालदीव्स में लक्षद्वीप में, तो क्या ये मालदीव के कंपैरिजन में किया है? आंसर है कतई नहीं। अभी मैं रोहित दादा के चैनल पे था और यही बात भी मैं कह रहा था कि हम जैसे मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि भाई आप लोग बाहर जाके शादियां कर रहे हो, कुछ इंडियंस को लत लगी हुई है भाई वो बाहर जाके शादियां करते हैं, ठीक है, और उसके बाद वहां से फोटो देख लेते हैं जो हम लोग इंस्टाग्राम पे देख देख के ही मुस्कुराते हैं। तो पॉइंट ये है कि अब मोदी जी ने कहा भाई वहां शादियां मत करिए, डेस्टिनेशन वेडिंग गोवा आ जाइए, हिमाचल चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, वेडिंग कितने दिन टिके ये अलग बात है मगर वेडिंग तो कीजिए यहाँ पे, आप समझ रहे हैं। सो पॉइंट ये है कि जो मोदी जी ने जब मालदीव का प्रचार किया, लक्षद्वीप का जब प्रचार किया तो वो उनकी आदत का पार्ट, और देखिए कितने सीरीन ब्यूटीफुल ग्रीन लश ब्लू इस टाइप का विजन है, इतना बढ़िया लग रहा है हमारे देश में ये है, तो अब चूंकि मालदीव को बुरा लगेगा तो हम उसके प्रचार प्रसार ना करें, और ये मुफ्त में हो रहा है, इसी को करने के लिए हमें किसी को हायर करना पड़ता, किसी एजेंसी को, मोदी जी गए कुछ नहीं, चार कुर्सी लगवाई वहां पैसे लेके फोटो खिंचवा दी, वो वायरल हो गया, मालदीव का प्रचार हो गया, अरे लक्षद्वीप का प्रचार हो गया, हमारे ही देश का हिस्सा है हम जाएंगे वहां पे, ठीक है ना। तो रिवाज जी आप फ्रीज हो गई हैं शायद, क्योंकि आप लगातार ही मुस्कुरा रही हैं, तो अच्छा गायब ही हो गई, नहीं उनकी शक्ल ही है, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करते हैं, आप कंटिन्यू कीजिए, सुनने में मजा आ रहा है भाई साहब। तो वही मैं कह रहा था कि ये इसको कोई ये नहीं कि अस वर्सेस वी, अब चूंकि मालदीव को बुरा लग गया तो हम लक्षद्वीप का प्रचार ना करें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, अब मोदी जी का है ही ऐसा भाई ब्रांड, वो प्रेजेंट डे वो है क्या नाम है ओल्ड, वो कौन था यार मेड इन इंडिया वाला जो बंदा था, क्या नाम था उसका, जो अभी भी आता है बड़ा बुढ़ा हो गया बड़ा एक्टिव है, मिलिंद सोमन, तो वो इंडियन पॉलिटिक्स के मिलिंद सोमन है, वो सुपर मॉडल है भाई, वो किसी ब्रांड का आपको प्रचार कराना है मोदी जी का वहां पे वो कर लीजिए, मोदी जी पतंग से लेकर के अचार से लेकर के गंजी बंजी से लेकर के सब बेच रहे हैं, तो उन्होंने लक्षद्वीप भी बेच दी बिना पैसे लिए, क्या दिक्कत है, और इस जगह पे कौन नहीं जाना जाएगा, मुझे देख करके मन कर रहा है कि मैं ही चला जाऊं कल परसों, वो एक बात अलग है कि गरीब गुरबा लोग नहीं जा सकते हैं वो भी वहां पे, मगर इच्छा तो कर सकते हैं ना, चाहे गरीब गुरबा ही क्यों ना हो। सो और आज अभी दादा ने बताया कि कितने जो है लोगों ने वो करना शुरू कर दिया है, अपना रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है, मालदीव की कैंसिल करना शुरू कर दिया बुकिंग्स, और इंडिया में जाने, इफ वी हैव अ डेस्टिनेशन वी शुड, हम तो आपको भी इनवाइट करेंगे, आप भी आइए बिना बम बारूद के, यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड। जी रिमा सर, किसी ने कमेंट किया है खुदा का खौफ करे, सर आपका ये डायलॉग जो है ना लोगों की यानी कि माइंड पे इतना फिट हो गया कि वाकई खुदा का खौफ कर लेना चाहिए। रोहित सर आपकी मैं इसको देखते आपकी हुए। जनता को ये कहना चाहूंगा मैंने खुदा का खौफ करें वो चेंज कर दिया है उसको, अब मैंने कह दिया न्यूक्लियर बम का खौफ करें, समझ रहे हैं आप, तो पाकिस्तान के साथ जो है आप प्लीज न्यूक्लियर बम का खौफ करें ये ना करें। रिबाज जी खुदा का खौफ, खुदा का खौफ हमारे व्यूअर्स को भी होना चाहिए, 600 से 700 लोग लाइव हैं और लाइक हमारे 100 से 125 के आसपास है, तो ये लाइक नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, और खुदा का खौफ भी करें आप न्यूक्लियर बम का भी खौफ करें लाइक करें, वरना निभा में एक दो फेंक देने आपके घर पे लाइक न करेंगे तो। अच्छा मैं ये बात कर रहा था आपने जो ऑपरेशन बताया था, राइट आपने ऑपरेशन कैक्टस बताया था, मैं ऑपरेशन नीर की बात करता हूँ, ऑपरेशन नीर 2014 में हुआ था मालदीव्स के लिए ही, उस समय मालदीव्स के पास पानी नहीं है, पानी इन द सेंस के बारिश होती तो है लेकिन वो पानी बह जाता है, इतने बड़े आइलैंड्स नहीं है, ठीक है कि उसमें कहीं वो स्टोरेज हो, अंडरग्राउंड वाटर बहुत कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वो करते क्या है पानी के समुद्र के पानी को डिसैलिनेट करते हैं, मतलब उससे नमक निकाल के और उसको यूज करते हैं। उनके 2014 में उनके डिसैलिनेशन प्लांट में आग लगी थी, उन्होंने SOS कॉल मारी थी इंडिया को,
और SOS कॉल में कोची पोर्ट से INS सुकन्या गया था 35 टन पानी लेकर के, साथ में 20 टन पानी पर डे प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है वो, साथ में उसके बाद INS दीपक गया था 1000 टन पानी लेकर के, साथ में 2 ग्लोब मास्टर गए थे, 3 IL-76 गए थे 153 टन पानी लेकर के, और ये पूरी जो आग लगी थी वो 4 दिसंबर को लगी थी और 6 दिसंबर तक हम लोगों ने उनके पानी रिप्लेनिश कर दिया था पूरा, और हम लोगों ने ही उनको पूरी हेल्थ सपोर्ट की थी जिस समय उनके पानी पीने के लिए नहीं था, राइट। हम लोग उनके नियरेस्ट नेबर हैं, हमसे ज्यादा करीब कोई नेबर नहीं है। जिस ऑपरेशन कैप्टन की उन्होंने बात की थी वो LTTE ने करवाया था, वो उस समय भी हम ही पहुंचे थे वहां पे, उनका उनका जो अब्दुल कयूम था वो तो एक साइकिल पड़ी थी बाइसाइकिल, उसको पकड़ के भाग गया था कहीं कोहरे में छुप गया था, उसको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है, हमारी आर्मी ने जाके छुड़वाया था उनको। अब हम उनको तब से सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनके सबसे बड़े जैसे बोलते फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइडर हैं, 19% टूरिस्ट हमारे पास से वहां जाते हैं, उससे थोड़ा सा कम 18% रशिया से जाते हैं, हम इतने बड़े, हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं वो, और उसके बाद वो हमें आंख दिखा रहे हैं। अभी उनके जो नए न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है वो चाइना का ट्रिप आने वाले, चाइना के साथ कर लेना वो, हम लोगों ने जितना उनके लिए किया है वो जानते होंगे, और हम उनसे कुछ बोल रहे हैं, हम उनसे कुछ मांग रहे हैं, हम कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन अगर उनको फिर भी लगता है तो लेट देम, वो श्रीलंका वाली हालत चाहते हैं तो वो करवा लें एक बार श्रीलंका में, जैसे प्रेसिडेंट के पैलेस में घुस करके लोग स्विमिंग पूल में ना रहते थे, एक बार मालदीव्स के लोगों को भी मौका मिल जाएगा स्विमिंग पूल में नहाने का, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स, हम लोगों ने अपना। लेकिन एक बात है, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी का आप एक वो देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी का ऑरा देखो या प्राइम मिनिस्टर मोदी की रीच देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बार ये नहीं बोला कि आप लक्षद्वीप आइए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बार नहीं बोला कि आप अपने मॉलडीव्स का टिकट कैंसिल कराइए, सिर्फ एक फोटोशूट वो भी ऑल ऑफ अ सडन लक्षद्वीप के बीच पे, एंड देन ही वॉज बैक, और वापस आने के बाद जो टिकट्स कैंसिल होने शुरू हुए और लक्षद्वीप जाने शुरू हुए लोग सडनली, तकरीबन ये फिगर लाखों में जाती है जो लोग जा रहे हैं इंडिया से मॉलडीव, वो सारे के सारे जाने शुरू हो जाएंगे, दे विल गो आइदर टू अंडमान निकोबार आइलैंड्स और टू लक्षद्वीप। हमारे पास आइलैंड्स की कमी नहीं है, हमारे पास बहुत आइलैंड्स है, और ऐसे आइलैंड्स है कि आप अब सोचते रह जाओगे कितने आइलैंड्स है हमारे पास, और हम वहां पे बहुत अच्छी एक इकोसिस्टम मैनेज करते हैं, हमारे वहां पे आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग। मालदीव्स ये सारे छोटे छोटे कंट्रीज है, जरा सा पैसा दिख जाता है तो दाएं बाएं होने शुरू जाते हैं, बट ठीक है, इनकी मर्जी, let them do it, let them try। सही हो गया। हरिमोहन जी, आपसे मेरा सवाल है, आपने तो अपने बैकग्राउंड बैकग्राउंड भी कैसी लगाई है, क्या कहेंगे आप देखते हुए इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन को, क्या कहना चाहेंगे, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो आपके पीछे पिक्चर लगाई हुई है आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है। मैम देखिए, ये मालदीव्स वाली है, ये मालदीव्स वाली है फोटो, ये मालदीव्स में प्राइम मिनिस्टर ने जो फोटो शूट किया है वही है, तभी तो मैं बोल रहा था हरिमोहन जी से बड़ा देशभक्त बहुत मुश्किल से मिलता है। भाई साहब एक्चुअली क्या है, ये जो लक्षद्वीप में फोटोशूट हुआ है प्रधानमंत्री जी का, ये बिल्कुल पहली बात बिल्कुल साइलेंटली जाके और फोटो जैसे खिंचवा के आ गई, ये असलियत में किसी भी लीडर की, किसी खासकर प्राइम मिनिस्टर की, उनकी कंट्री के अंदर एक एक्सेप्टेंस को दिखाता है कि आप सोचिए गए और वापस आए, किसी को कुछ भी नहीं कहा, और पूरा देश, ना सिर्फ पूरा देश, पूरी दुनिया डिस्कस कर रहा है, यह है एक्सेप्टेंस, और यह है तरीका, बिन बोले हर उस इंसान को मैसेज दे देना जो कि उससे जुड़ा हुआ है, और सिर्फ वो मैसेज उसी तक जाएगा और वही मैसेज उस तक जाएगा जिस तक वो मैसेज पहुंचाना है, बाकी हर कोई अपने अपने तरीके से उस मैसेज को पढ़ेगा और काम, वही वाली बात है ना, जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना होगी वो उस मैसेज को वैसे पढ़ेगा। भाई जिसने देशभक्ति भी करनी है और टूरिज्म भी करना है, उनको लक्षद्वीप में टूरिज्म दिखाई देगा, जिन्होंने इसमें मोदी जी के इस मूव को जियोपॉलिटिकल मैनर में देखना है
वो उसे क्या नाम है मालदीव्स और मालदीव्स को आंखें दिखाना और मैसेज देना और चाइना को बिल्कुल औकात पे लेके आना, क्योंकि मैं इसे मालदीव से हटाकर नहीं देख पा रहा हूं अगर नॉर्मल फॉर्मेशन में देखा जाए तो। क्योंकि देखिए टूरिज्म, जैसे बताया अभी नाजिया जी से, इससे पहले मेरी बातचीत हो रही थी तो नाजिया जी ने बहुत अच्छे फैक्ट्स दिए कि लक्षद्वीप जा रहे हैं 3,000 बंदे और मालदीव जा रहे हैं 2.5 लाख बंदे। अब आप ये देखिए 2.5 लाख बंदा ऑन एन एवरेज इंडियन रुपी के अकॉर्डिंग, मतलब इंडियन रुपी नहीं आप डॉलर्स में लगा लीजिए, कम से कम 2,000 to 3,000 dollars तो कम से कम खर्च करके आएगा ही आएगा। मान लीजिए कपल जा रहा है 2.5 लाख बंदे हैं तो $1,000 भी आप मिनिमम खर्च करके आ रहे हैं, जो उससे ज्यादा ही बैठेगा इन माय ओपिनियन। अगर $1,000 खर्च करके आ रहे हैं तो 2.5 लाख बंदे $1,000 कितना बिलियन डॉलर हो रहा है आप देखिए सिर्फ टूरिज्म से। और ये जो बिलियन में डॉलर जो कितना मिलियन डॉलर हो रहा है वो देखिए, ये जो टूरिज्म से इनकम है वो कहां जा रही है, वो टूरिज्म की इनकम अगर मालदीव्स के अपग्रेडेशन में मालदीव्स की डेवलपमेंट में खर्च हो रही हो तो बहुत बढ़िया बात है। असलियत में ये सारा पैसा कहां, चाइना के डेट ट्रैप का लोन उतर रहा है। यस 16 आइलैंड्स चाइना के मालदीव्स को पकड़ाए गए हैं लीज पर 16। और उस लीज का मतलब क्या है, उस लीज का मतलब सीधा सा मतलब ये है कि भाई वो पैसे जो है वो एक अलग लेवल पर जा रहे हैं, समझे। अब उसका नेक्स्ट लेवल समझिए, आज के दिन चाइना श्रीलंका के साथ जो हुआ, रोहित भैया ने बिल्कुल ठीक बोला कि आगे आने वाले टाइम में मालदीव्स के साथ हो सकता है। क्यों हो सकता है भाई, आपकी पूरी ताकत किस चीज पर है, टूरिज्म पर। असलियत में वो जो चाइना लव है ना, चाइना लव, इससे पहले इंडिया आउट कैंपेन चलाया था उसने, क्या नाम है इससे पहले जो अब्दुल्ला यामीन था, उसने अब्दुल्ला यामीन ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया। इंडिया आउट कैंपेन और कुछ भी नहीं, नफरत है इंडिया के खिलाफ, यानी इंडिया के खिलाफ, इंडिया का सबसे बड़ा कस्टमर इंडिया, सबसे बड़ा हेल्पर इंडिया, सबसे बड़ा प्रोटेक्टर इंडिया, सब चीजें, लेकिन नफरत भी इंडिया से। क्यों? क्योंकि उधार देने वाले से प्यार है, वही वाली बात है ना, उधार देने वाला, और यह नहीं दिख रहा कि वो उधार देने वाला तुम्हारी चमड़ी तक उतार कर ले जाएगा। अभी तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मालदीव्स के लिए सिंपल थी, इसे अगर फॉरेन पॉलिसी देखें तो, और फॉरेन पॉलिसी यह है इंडिया की के पहले इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी कि कैसे भी करके मालदीव्स के साथ आप अच्छे रिलेशंस रखो, उसे पुचकार के रखो, अच्छा पार्ट बना के रखो, चाइना को इग्नोर करो। लेकिन अब प्रॉब्लम यह आ रही है, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई चाइना के साथ अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, इसके ऊपर भी अभी डिस्कस करते हैं कि भाई भले ही इंडिया अभी भी लार्जेस्ट मार्केट मालदीव्स का लार्जेस्ट टूरिस्ट सोर्स रहे, लेकिन कम तो होगा, अभी ये अजम्पशन है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप होने में टाइम लग रहा है। लेकिन मेरा जो मानना है वो ये कि आप सोचिए जो पैसा अभी चाइना एक्सपोज क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि चाइना भला बना हुआ है, चाइना लोन भी ले रहा है, सब चीजें भला बना हुआ है, उसकी रियलिटी को कैसे दिखाई देगा ये बताइए। उसकी रियलिटी तभी दिखाई देती है जब उसके लोन जब वापस करने होते हैं और किसी कंट्री के पास पैसा नहीं होता है, ये समझिए। अब आप अंदाजा लगाकर देख सकते हैं कि अगर लोन है और वापस नहीं कर पाएगा तभी तो चाइना के अगेंस्ट चाइना और उसके तकरार बढ़ेगी। तो ये एक तरीके का साइलेंट प्लान मुझे नजर आ रहा है, जो आगे आने वाले समय पे क्या होगा वो तो देखिए वक्त बताएगा, लेकिन इतना पक्का है कि कुछ ना कुछ तो ये जियोपॉलिटिकल मैटर है। और तीसरा पॉसिबली मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी कंट्री में बैठी हुई है वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देती है, और पॉसिबली आज के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों वो ऑर्गेनाइजेशन लगातार किसी ना किसी मामले में एक नई डायमेंशन ढूंढ रही होती है। तो लक्षद्वीप जैसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन आज तक भले ही बचा रहा, लेकिन जिस तरीके से मेनलैंड इंडिया के अंदर पूरा एक मजबूती से इंडिया गवर्नमेंट खड़ी हुई है, पॉसिबली हो सकता है सीक्रेट सोर्सेज से पता लगा हो कि अगला टारगेट हो सकता है लक्षद्वीप। तो इसी बहाने लक्षद्वीप को भी साध लिया गया, और मोदी जी की एक मुझे खास बात लगी, वो किसी भी मिशन को जब पकड़ते हैं तो इसी तरीके के साइलेंट मैसेजेस दे रहे होते हैं। चाहे आप पंजाब और खालिस्तान का देखेंगे, आज से नहीं 2014 से शायद ही कोई साल गया हो जब मोदी जी की
ऑरेंज पगड़ी के अंदर फोटो ना आई हो और गुरुद्वारे जाने की फोटो ना आई हो, यह बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, वही चीज यहां है। यस सही हो गया सर। आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। वंस अगेन मैं इंडिया को और इस इंडिया की इसरो को कंग्रेचुलेट कहना चाहूंगी। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, इंडिया ने जो है एक बार फिर से एक ह्यूज मार्क जो है उसे अचीव कर लिया है। और थैंक यू सो मच हरिमोहन जी, अभिषेक सर और रोहित सर, आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। और अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट कीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।